वहाँ लग गया है ना, एक साथ लग गया। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमारे 2014 में आए तो स्वच्छता के लिए सबसे पहले उन्होंने झाड़ू उठाया कि सबसे पहले अपने आसपास, अपने घर के बाहर और अपने जो परिसर है उसको किस तरह से साफ किया जाए। अगर ये साफ रहेगा तो अपने आप अपना समाज, अपना देश साफ रहेगा और एक एक गलियां और एक एक घर साफ रहेगा। तो उन्होंने जिस तरह से लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया कि आप झाड़ू स्वयं उठाएं, केवल झाड़ू हमारे सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो झाड़ू लगाए, वो 8 घंटे की ड्यूटी करता है लेकिन उसके बाद उसको साफ सुथरा रखना और उसे कूड़े को सड़क पर ना फैलाना, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर लोगों ने उनकी बात का अनुसरण किया और हर व्यक्ति ने झाड़ू उठाया, यहाँ तक कि जो विपक्षी उनके ऊपर हंस रहे थे कि कभी किसी प्रधानमंत्री ने क्या ऐसा किया कि उसने कभी झाड़ू हाथ में लिया, तो आज वो भी अपनी फोटो और सेल्फी झाड़ू लेके हाथ में खिंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये मार्गदर्शन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया, यही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी हमारे किया था कि उन्होंने भी कहा कि अपने घर को अगर स्वस्थ रखना है तो अपने शौचालय को, अपने बाथरूम को अपने आप साफ रखिए, अपने आसपास का एरिया साफ रखिए। मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर को तो बहुत साफ सुथरा रखते हैं लेकिन आप अपने घर के बाहर जाते हैं और फिर वही बाहर अगर गंदा रखेंगे तो वही गंदगी लेकर आप घर के अंदर घुसेंगे। इसलिए घर के बाहर भी साफ सफाई रखना जरूरी है, कूड़े को कूड़े के स्थान पर ही रखें और जो कूड़ा निकलता है उसको डस्टबिन में रखने का काम करें और अगर आसपास कूड़ा कहीं दिख रहा है तो अपनी भी जिम्मेदारी समझकर उस पर साफ सफाई करने का काम करें। ये अगर हर आदमी करने का काम करेगा, नाली नाला पानी बहने के लिए है, कूड़ा फेंकने के लिए नहीं है, रजाई गद्दा फेंकने के लिए नहीं है, जब पानी बरसता है तो सब उसी में भर जाता है। तो मेरा विशेष अनुरोध है कूड़ा हमेशा कूड़े के स्थान पर ही रखें, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। आप एक स्वस्थ नागरिक अगर बनना चाहते हैं, स्वस्थ भारत में और स्वच्छ भारत में रहना चाहते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अपने आगने वाले भविष्यों को भी आगे बढ़ाने का काम करें। पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और आज बड़े पैमाने पर पॉलीथीन का प्रयोग हो रही है। मैं सभी से कहना चाहती हूँ पॉलीथीन एक बड़ी बीमारी है जो कैंसर के रूप में हो रही है, तो आप लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करें और कूड़े को, झाड़ू को जो लक्ष्मी का स्वरूप है उस स्वरूप में भी माने, तो कूड़े को और झाड़ू को पूज्य समझकर आप उसका पूजा करें और उसको उसके स्थान पर ही रखें, इधर उधर ना फैलाएं। अभी भी डेंगू फैल रहा है, डेंगू में आप जो गंदा साफ पानी से डेंगू फैलता है, कभी गंदे पानी से नहीं, तो घर में कहीं भी कूलर भरा हो, कहीं भी नाली में, कहीं भी स्टोर हो पानी, तो आप उसको हटाने का काम करें। अपनी स्वास्थ्य की खुद से रक्षा करें, अपनों की रक्षा स्वयं करें और आसपास का अगर एरिया आप साफ रखेंगे तो आपका पर्यावरण साफ रहेगा। और अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझें, दूसरों पर निर्भर ना करें, आत्मनिर्भर बने, तभी एक स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत बनेगा। यही माननीय प्रधानमंत्री जी का। इतना बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है और देश विदेश से लोग आएंगे तो किस तरह स्वच्छता को लेके? देखिए महाकुंभ जब भी लगा तो हमारे पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड हुआ कि स्वच्छता के रूप में पूरे विश्व को हमारे रिकॉर्ड मिला कि हाँ स्वच्छ, इतना स्वच्छ कभी कुंभ हुआ ही नहीं था। जब माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समय में हुआ, उन्होंने कुंभ को इतना स्वच्छ, कुंभ का परिसर ही जो हमारा पूरा परेड ग्राउंड था और जिस जगह पे कुंभ लगता है गंगा का किनारा, इतना साफ सुथरा करके रखा था कि विश्व भर में उसका गुणगान हुआ और कहीं ना कहीं प्रयाग वालों का भी मान सम्मान बढ़ने का काम हुआ। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि जो लोग भी आएंगे वो शहर से होते हुए गंगा पे जाने का काम करेंगे, तो आप अपने घर के बाहर और घर के चारों तरफ अगर सफाई रखेंगे तो लोग एक मैसेज लेके जाएंगे कि प्रयाग वाले स्वच्छता को बहुत मार्ग देते हैं और स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं, और अगर स्वच्छ रहेंगे तो गंगा भी स्वच्छ रहेंगी। वो वही हमारी पहचान है, तो गंगा को स्वच्छ रखने के लिए आप उसमें स्नान करें। गंगा तो मोक्षदायिनी है, गंगा के दर्शन मात्र से ही मोक्ष मिलता है,
तो वहाँ जिस तरह से साबुन तेल मंजन लोग करते हैं, कुल्ला करते हैं, ये सब ना करें, कपड़े ना धोएं, गंदगी ना फैलाएं, माला फूल को गड्ढे में ही गाड़ने का काम करें, मूर्तियों का विसर्जन जो है गड्ढों में करने का काम करें, इस तरह से अपनी भावनाओं को भी आप समझें और पूज्य चीज़ों का भी भावना समझें और गंगा की पूजों को भी समझें, तो घर के बाहर के भी परिसर को और सड़क को जो आपका प्रयाग का पहचान है, अगर आप उसको साफ रखते हो तो कहीं ना कहीं देश विदेश में प्रयाग वालों को और आने वाले भविष्यों की पहचान बहुत बेहतर होगी।